Hi guys, a very good morning to all of you. I'm Sabha, your English faculty at Hollywood. I welcome you all on our official YouTube channel. So good morning guys. Ek baar bata dijiye, are we live now? Is everything perfectly fine? Am I audible and visible to you all so that we can start the session? Good morning Prabhat, good morning Apoorva, Hare Krishna, then Prem, Vansi. A very good morning to all of you. सो गाइज पहली चीज मैं बता दूं, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव सो मेनी गुड वोकैब्स इन टुडेज सेशन. काफी मतलब एक ही आर्टिकल में यू विल गेट नंबर ऑफ वोकैब्स. ओके सो द सेशन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी कोई ऐसी आर्टिकल मिलती है वेयर वी गेट सो मेनी वोकैब्स इन अ सिंगल आर्टिकल इटसेल्फ. ओके सो क्विकली ज्वाइन द सेशन एंड लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. फटाफट से सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट. एंड एज यू ऑल नो That CGL notification is out. We have been waiting for this notification. 1st of April ko aane wala tha. To but now 3rd of April it has been announced. So fir bhi theek hai. Matlab do din ke baad bhi aapka notification aa gaya. So that is okay. I want each and every one of you to fill this form. Okay, because 7500 aapki vacancies hai. But they are tentative vacancies. Ye aapki around 10 to 12,000 तो मिनिमम जाएगी ही जाएगी वैकेंसी. ओके तो मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो 10-12,000 आराम से आपकी ये वैकेंसी जाएगी. लास्ट ईयर आपको पता है 20,000 अनाउंस हुई थी एंड द फाइनल वैकेंसी वाज अराउंड 35,000 समथिंग. ओके सो दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव वैकेंसी सो प्लीज डू ज्वाइन डू फिल द फॉर्म. ओके एंड वन मोर थिंग those who have already qualified any examination, जिनका कोई एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है क्वालिफाई हो चुका है ठीक है किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं मीन्स तो अगर आपने ऑलरेडी कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है देन इट इज डेफिनेटली द टाइम फॉर यू टू टेक द सीजीएल एग्जामिनेशन एंड प्लीज फाइट फॉर द टॉप मोस्ट. मतलब जो सबसे अच्छी है ना जैसे डबल एओ के लिए आप फाइट कर लीजिए ठीक है. सो देन यू कैन फाइट फॉर एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वेरी वेरी लाइक ड्रीम जॉब यू कैन से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कस्टम इंस्पेक्टर. सो देर आर सो मेनी गुड पोस्ट प्रिवेंटिव ऑफिसर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है तो प्लीज फिल द फॉर्म वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज प्रेफरेंस आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाती है जो भी आप प्रेफरेंस डालते हैं. तो वाइल फिलिंग द फॉर्म बी वेरी अटेंटिव बी वेरी सिलेक्टिव इन चूजिंग द स्टेट एंड ऑल दीज पोस्ट. ओके मैम इज देयर एनी यस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग 9 AM का आपका जो सेशन होगा बट दिस क्लास विल बी ऑन SSC चैनल. ओके यस वैकेंसी ऑफकोर्स इंक्रीज होगा. ओके ये टेंटेटिव वैकेंसी है वैकेंसी ऑफकोर्स इंक्रीज होगा. तो 9 बजे से आज से ही आई एम स्टार्टिंग सेशन फॉर सीजीएल. देखिए इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है यू नो कि इंग्लिश का वेटेज आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में ज्यादा होता है. इंग्लिश बेस्ट करनी है राइट और इंग्लिश जस्ट यू गाइस बी हियर आप मेहनत करते जाइए डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे. ठीक है तो चाहे आप फर्स्ट टाइम SSC दे रहे हो या बहुत बार दे चुके हो दैट डजंट मैटर. इंग्लिश आपकी मतलब मिनिमम आप जो इंग्लिश में टारगेट कर सकते हैं 120+ दिस इज द मिनिमम स्कोर दैट यू हैव टू टारगेट. सो आपको पता 135 तो इंग्लिश है मेंस में तो बेसिकली हमारे जो अभी से प्रिपरेशन होगी वो मेंस लेवल की होगी राइट. So you have to like English में अभी से आप लोग अगर ये लेकर के चलेंगे तो definitely will be able to cover. ठीक है और English में अगर एक एज मिल जाएगा आपको तो बाकी जगह पर भी आपको एज मिलेगा definitely. Okay? तो चलिए guys quickly session को start करते हैं. And the most important role that is going to play in your selection is this editorial session. सो बैंकिंग देखिए बैंकिंग कैंडिडेट्स बहुत रेगुलर होते हैं एडिटोरियल में. ओके बट SSC कैंडिडेट्स इट इज टाइम फॉर यू कि अब आज से आपको भी एडिटोरियल में बहुत ज्यादा रेगुलर होना होगा बिकॉज जितने भी नए वोकैब्स हैं अंडरस्टैंडिंग ग्रामर एवरीथिंग वी डू हियर. ओके तो दिस इज द स्टार्ट्स ऑफ डे. मतलब ये जो कल जो मैंने होमवर्क दिया था जिसने होमवर्क किया था सो इट इज बेसिकली दोज कैंडिडेट्स. ओके बट यहाँ पर आई कुडेंट चेक द होमवर्क एज यू नो कल मेरा काफी टाइम चला गया ट्रैवलिंग में तो आई कुडेंट चेक द होमवर्क तो आज मैं करेक्शन कर दूंगी आज या कल में आई विल डू द करेक्शन. ओके सो असासिन देन अनन्या अनुज टीना उजाला दिव्या देन प्रवीण कीर्ति तनुजा भवानी सबरी संध्या आदित्य शफी संजीव कुमार अंकिता नित्या राजेश रेखा मोलिना अपूर्व ऑल दीज पीपल डिड द होमवर्क. ये सारे लोगों ने होमवर्क किया था. ओके सो आई डिडंट डू द करेक्शन बट यस आई विल डू. मैम डू वी नीड टू पे फॉर योर चैनल? नो कुछ पे नहीं करना. अगर आप फ्री सेशन अटेंड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको नहीं पे करना है. ऑफकोर्स आपको नहीं पे करना है ठीक है.
paid session when you will take, then only you will have to pay. Okay. So today's quote is a different quote hai, on the law of silence. Okay, speak little. Whenever it is required, then only speak. Because aaj ke date mein log bahut zyada bolte hain. Okay, so whenever speak it. Aisa nahi ki ekdam chup ho jaiye. Don't be reticent. Okay, speak little. Say only what you must. Utna hi boliye jitna aapko kehne ki zarurat hai. Speak only when necessary. Jab zarurat ho tabhi boliye. Your oratory should be your deeds, not words. Very, very important thing. Like these days, people, they brag a lot about their achievement. Okay, so whatever you want to tell, let your actions speak. Okay, aapke jo action hai na, deed here means action. So let your work speak for yourself. Okay, आप अपने आप से खुद की बड़ाई मत करिए. If you do something good, of course your action will definitely speak. Okay, you accomplished. आप अचीव करेंगे. Let others talk. So if you achieve something, others will talk about you. आपको खुद के बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay, so don't tell others कि आप कितनी मेहनत करते, कितने घंटे पढ़ते. All these things, no. Whenever it is required, speak that much only and do not brag about yourself. बहुत ज्यादा खुद के बारे में डिंगे मत मारिए, ठीक है? Let your actions speak for you. ठीक है, आपके actions आपके लिए बातें करेंगे. Clear? So nice quote it is, very nice quote. So guys, quickly subscribe to our YT channel, both these channels, banking and SSC. सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. Okay, so I want maximum candidates to be in this session. So फटाफट से session को like करिए, share करिए और channel को subscribe कर दीजिए. Okay, अब देखिए जो लोग आज first time जुड़े हैं, what are the things we do in this session? हम लोग क्या क्या करते हैं? So every day we start our session with the revision session. ये revision session होता क्या है कि कल हमने जितने भी vocabs और idioms phrases जो भी चीज सीखे थे, so today we are going to revise all those. ठीक है, ये quickly 5 minute का session होता है जहाँ पे कल वाली सारी चीजें हम एक बार revise कर लेते हैं. Okay, then we have vocabs of today's session. आज के सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल में यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 20 वर्ड्स. काफी अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे एक सिंगल आर्टिकल से. एडियम्स एंड फ्रेजेस, यस वी डू हैव फ्रेजल वर्ड्स, आज के आर्टिकल में नहीं है. कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल बहुत सेंसिटिव है. ग्रामर लर्निंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम टूडे. इसी आर्टिकल से रिलेटेड पूरे आर्टिकल में से कोई एक सेंटेंस मैं दे देती हूँ जिसमें आपको एरर डिटेक्शन करना होता है. ओके, सो दैट इज द ग्रामर लर्निंग. Tone objective and then practice exercise, that is your homework. Every day I do give the homework also. So please try to take homework also. Vamsi, today's paid batch timing is 10 a.m. मैंने बताया था ना आज 10 बजे आपकी paid batch की timing होगी. 10 a.m. Okay? Clear everyone? Ma'am, मैंने कब हो innocent, सारी चीजें आपकी के लिए थोड़ी ना होती हैं. आप मुझे target कर रहे हो. So guys, quickly let me know. Are you ready for this revision session? Is everyone ready for this revision session? Good morning, Nitya. Good morning, everyone. Yes, Arju, you are always ready. Others ready, na? So quick reply, guys. Yes, Mamsi. Now it will be daily 10 a.m. Okay. Quickly match these words with their synonyms or antonyms. ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब दीज आर एग्जाम रिलेटेड वर्ड्स, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं. ओके सुशील, क्विकली गिव द आंसर. गाइस सभी लोग बस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा and subscribe to the channel also because अब तो बहुत ज्यादा active होने वाले, especially you all, ठीक है, is subscribe to SSC channel also because अब जो है maximum sessions SSC पर ही होंगी. तो but ऐसा नहीं, आपको content काफी अच्छा मिलेगा. okay, maximum gave the answer. yes Arju, Geeta, I think you all are correct. good, very good. Josna, Sridhar, John, okay. now Philip, as you know, अब देखिए ध्यान से देखिए जिन लोगों ने कल session attend नहीं किया था, ठीक है. Philip basically we call to spur. Now Philip and spur, this we call to boost. Philip का मतलब होता है किसी को भी encourage करना. जो एक किसी को encourage आप करते हैं, motivate करते हैं. So that encouragement, motivation, okay, that help you do something, okay. So this editorial session can be Philip for you. ये जो editorial session है ये आपके लिए Philip हो सकता है because it can be an encouragement for you. It can be a motivation for you, okay. To do the best in your examination. So Philip is noun, A will be matched with Philip. हाँ, support, encouragement, motivation, all these you can say, ठीक है. Whom Delhi you might have defeated.
So that is support. Okay. Then not basically we say approval. So not basically you can say cue, indication, ठीक है, सिग्नल, किसी भी चीज का मतलब अपनी सहमति दे देना. मतलब इफ आई नॉड इट मीन्स आई एम अलाउइंग यू टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, तो आप किसी भी चीज की परमिशन लेने आए हैं. इफ आई सिंपली नॉड माई हेड सो इट मीन्स आई हैव इंडिकेटेड यू दैट यू कैन डू. सो यू कैन यूज द वर्ड क्यू, इंडिकेशन, सिग्नल, ऑल दिस. इट इज ऑल्सो अनाउन, नॉट इज ऑल्सो अनाउन. सो इट विल बी मैच्ड विद फर्स्ट. ओके, the next word we have is bleak. Bleak is a negative word. Okay, bleak means dreary. Okay, aap keh sakte gloomy. So all these can be the synonyms of the word bleak, that is dreary, gloomy, dejected. All these are the synonyms. Okay, ye sare ke sare synonyms hai. So C will be matched with seventh. Vaulting, basically we say leaping, reaching new heights. Okay, jo aap jump maarte hain, hamesha yaad rakhiyega vaulting ambition. वॉल्टिंग एम्बिशन का मतलब क्या होता है, आपके सोरिंग एम्बिशन, हाई एम्बिशन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड वॉल्टिंग. वॉल्टिंग एम्बिशन इज ऑफन यूज टूगेदर. ओके, सो लीपिंग, रीचिंग न्यू हाइट्स. ओके, राइजिंग यू कैन यूज द वर्ड. सो ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वॉल्टिंग. इट इज ऑलरेडी मैच्ड विद फोर्थ. ओके, ट्विक, बेसिकली वी से मॉडिफाई. ट्विक, किसी भी चीज को ट्विक कर देते हैं तो इट मीन्स वी मॉडिफाई दैट, वी एडजस्ट दैट. Okay, so modify, adjust, so all these can be the synonym of tweak. Okay, silhouette. Silhouette basically we say outline. किसी भी चीज का जो outlining होता है that is called, जैसे आप sketch करते हैं ना, तो ये जो outlining आप करते हैं किसी भी figure का that is called silhouette. Okay, it is matched with six. और ये किससे matched होगा? Tweak will be matched with third. Okay. And amnesty is a very very important term for CGL, CHSL, MTS, all. SSC के लिए बहुत important word है. One word substitution में पूछा जाता है. Amnesty basically we call to forgiveness. तो किसी को भी forgiveness जो दे, general pardon, okay? So forgiveness, pardon, that is called amnesty. It is now. So it will be matched with two. So 5174362. So guys, start learning the vocabs. 5174362 is the complete pair. Clear everyone? Yes, everyone is correct. Everyone is correct. Contour, yes, so many words we have. Yes, so contour, yes, everything. General pardon, correct, correct, yes. Now next slide also we have for the revision quickly, guys. Now here you will get vocabs and phrases also. हाँ, पोल वॉल्ट गेम इज ऑल्सो देयर आर यू राइट. करेक्ट अर्जु एंड नित्या, मधुरमा यस करेक्ट, ऋषि करेक्ट. गर्ल्स, ऑल गर्ल्स शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म फॉर सीजीएल बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. आपको पता है कि इसका कोई पैसा आपसे नहीं लगता, ठीक है. और बॉयज के लिए भी फीस वेरी नॉमिनल. इट इज वेरी नॉमिनल. हाउ मच इट इज इट फॉर बॉयज जनरल कैटेगरी? आई गेस 100 rupees या बढ़ाया एसएससी ने. फीस क्या है एसएससी फॉर्म फिलअप करने की गाइस, एक बार बताइए. Original also old, not old you can say, fresh you can say, original, okay, fresh novel all this, 100 only. So yes, आपका कोई पैसा, जैसे बैंक में आपका 700 रुपए लगता है ना, तो यहाँ पे 700, 800 कुछ नहीं देना, just 100 rupees for boys, yes, and girls it is free of cost. तो अगर आपको कुछ नहीं पता SSC के बारे में, still you can take this examination just to get an idea, ठीक है. और form fill up कर देंगे, तो खुद ही सब कुछ सीख जाएंगे, हाँ क्या pattern होता, क्या क्या चीजें होती हैं. चलिए, एक्सपोजिशन, बेसिकली वी से एक्सपोजिशन, बेसिकली वी से एलिसिटेशन. एलिसिटेशन करेक्ट आई गेस धीरेन्द्र, यस. सो इट मीन्स एक्सप्लेनेशन. अच्छा, यूपीएससी ओनली 25 rupees, गुड. सो एलिसिटेशन, एक्सप्लेनेशन, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स. सो ए विल बी मैच्ड विद थर्ड. ओके, सो एक्सपोजिशन मीन्स एलिसिटेशन. इसका मतलब एग्जीबिशन भी होता है, जो प्रदर्शनी जिसको कहते हैं हिंदी में. ओके, strike a note. Strike a note means to make something clear.
ठीक है, टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट अबाउट अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग। जब आप किसी भी चीज पर अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे इफ आई एम टेलिंग यू टू फिल दिस फॉर्म फॉर एसएससी, सो दिस इज आई एम स्ट्राइकिंग अ नोट, इट मीन्स आई एम गिविंग माय पर्टिकुलर ओपिनियन फॉर यू, ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो इट विल बी मैच्ड विद फोर्थ, ओके। अक्रॉस द बोर्ड मीन्स इट इज वेरी कॉमन, दैट इज अप्लीकेबल टू ऑल, ओके। तो जो सबके लिए अप्लीकेबल है दैट इज कॉल्ड अक्रॉस द बोर्ड, इट विल बी मैच्ड विद फिफ्थ। स्टे द कोर्स बेसिकली वी से परसू अ डिफिकल्ट टास्क टिल एंड, सो स्टे द कोर्स मतलब यू हैव टू, कल भी मैंने बोला था कि सिलेक्शन तक आपको अपना ये प्रिपरेशन, यू हैव टू स्टे द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इट मीन्स आपको ये काम सिलेक्शन तक कंटिन्यू करना है, ओके। विच इज बेसिकली वी से अवेकनेस, सो अ पीरियड ऑफ अवेकनेस, ओके। सो वेन यू आर वेरी अलर्ट, सो अलर्टनेस अवेकनेस दैट इज कॉल्ड विजिल, ई विल बी मैच विथ वन, ओके। नॉवेल बेसिकली वी से ओरिजिनल, ओरिजिनल मीन्स फ्रेश हियर, ओके, फ्रेश। नॉवेल आइडिया मीन्स एकदम ओरिजिनल आइडिया, कोई रेप्लिका नहीं है, इट इज योर ओन, फ्रेश, न्यू यू कैन से, सो न्यू, फ्रेश, ओरिजिनल, ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नॉवेल, यस। सो न्यू, फ्रेश, देखिए कोई चीज न्यू है मार्केट में वो फ्रेश है, वो ओरिजिनल है बिल्कुल, सो ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स, एफ विल बी मैच्ड विद टू। एंड डीलिनिएट, डीलिनिएट का मतलब होता है पोर्ट्रे आउटलाइन, ये वर्ब है। सिल्वेट वॉज अ नाउन, सिल्वेट बेसिकली वी से not deviate from the path, delineate means portray or outline, so silhouette was a noun, here it is a verb, किसी भी चीज का outlining करना, so that is called delineate, so yes I guess many are correct here, okay, correct Sushil, so 3 4 5 6 1 2 7 correct, so it was all about preposition। देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, right? बिकॉज आपको कुछ आइडिया नहीं है वर्ड की क्या मीनिंग है, सो दिस इज हाउ, देखिए वोकैब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो इफ यू वॉन्ट टू गिव द रिप्लाई हियर तो आपको सुबह सुबह पढ़ के आना होगा, तो ये आज कल आज जो भी वोकैब्स हम डिस्कस करेंगे तो कल आपको वो सारे वर्ड्स यहाँ रिविजन सेशन में दिख जाएंगे, सो प्लीज लर्न द वर्ड्स, ओके। और आज के सेशन में तो आपको और अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैब्स ऑफ टुडेज सेशन, गाइस प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ओके। सो फटाफट से वो कैप को रिपीट करते रहिएगा सो दैट यू लर्न। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज, मैम विल यू बी देयर फॉर बायलिंगुअल क्लासेस, सी अभी तो राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी अपकमिंग बैच फॉर बैंकिंग, बट यस द मोमेंट वैकेंसी विल बी देयर, सो ऑफकोर्स आई विल ब्रिंग माई ओन बैच, ओके, मॉड्यूलर बैच आई विल ब्रिंग ऑन बैंकिंग ऑल्सो संदीप, ओके। सो अभी तो वी डू नॉट हैव एनी वैकेंसी, दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग कंप्लीटली ऑन एसएससी, बिकॉज़ वी हैव द वैकेंसीज फॉर एसएससी एंड सो मेनी एग्जामिनेशंस आर लाइंड अप, ओके। बट द मोमेंट वी हैव वैकेंसीज फॉर बैंकिंग, बैंकिंग का सीजन आपका स्टार्ट होगा जुलाई से, सो यस आई विल ब्रिंग माय मॉड्यूलर कोर्स फॉर बैंकिंग बायलिंगुअल बैचेस, ओके संदीप। नॉट का क्यों कल नहीं बताया था, हाँ कुछ कुछ वर्ड्स मैं एक आध अलग से दे देती हूँ, ओके सुशील। So the first word of today's session is alacrity. Very important word it is now. Alacrity basically we say enthusiasm. ठीक है, मतलब you should attend this session with alacrity. हमेशा vocab को किसी sentence में form करके देखिए, you will remember the word. Okay? So alacrity basically we say enthusiasm, willingness. Then you can say readiness. Readiness. Okay? So it is noun. Zeal. Yes, you can say zeal. Okay? तो ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एलैक्रिटी, मतलब किसी भी काम को पूरे जोश से करना, ओके। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एलैक्रिटी, ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईगरनेस, करेक्ट। सो ईगरनेस, रेडीनेस, ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एलैक्रिटी, ओके। मैम कैन आई मेक, ऑफकोर्स यू कैन मेक अनिल, ऑफकोर्स यू कैन मेक, बट आपको बस यही करना है कि आपसे एकदम डेडिकेटेड प्रिपरेशन इफ यू स्टार्ट डूइंग, सो ऑफकोर्स यू कैन मेक टूडे दिस टाइम ओनली, एंड जनरली चांसेस फर्स्ट टाइम पे ही होते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद फुल कॉन्फिडेंस, फुल मोटिवेशन, ओके। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्काउच, नाउ सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड, इट इज ऑल्सो अ नाउन, स्काउच बेसिकली वी से अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन मीन्स बेल, मेनेस, थ्रेट, इविल, कर्स, मतलब जिसको आप कह सकते हैं अभिशाप, ठीक है, तो कोई जो बुराई है, जो अभिशाप है, इविल है, अफ्लिक्शन है, so that is called scourge, all good words you will get, okay, so please relate these words, the, in your sentence noun will not fit, okay, in the sentence, scourge basically we say affliction, bane,
Minas, evil, curse, all these are the synonyms of the word curse. Now, which channel are you talking about, Apoorv? Next word we have is vigilante. This key meaning samjhega, vigilante. So it is a noun. Okay, vigil, you know. Okay, vigilant, you know. A vigilant and vigilante, they are not related. Okay, vigilant, you, it means watchful, careful, okay, alert. So if you are vigilant, it means you are very watchful, you are very careful. आप हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, right? There are many, okay? So vigilant, basically we say watchful, careful. All these are the words for vigilant. It is an adjective. You have to be vigilant. It means you have to be an adjective, okay? But this यहाँ पर देखिए एक word लग गया e, okay? Vigilante. Vigilante basically we say a self-appointed doer of justice. मतलब एक person होता है जो खुद ही सारे law को अपने हाथ में लेकर के खुद ही सबको punishment वगैरह दे देता है. So that self-appointed doer of justice, so-called, मतलब जो होते हैं ना कि जिनको लगता है कि नहीं वो सही कर रहे हैं, law वगैरह कुछ नहीं है, they have to only do the justice. वही किसी को punish कर देते हैं. जैसे गांव वगैरह में ऐसे बहुत सारे आपको vigilante मिल जाएंगे. So vigilante is, we use this word for a person, okay? So a self-appointed doer. See, this is not a positive word. It is a negative word only. You cannot challenge law. आप law को challenge नहीं कर सकते. आप law अपने हाथ में नहीं ले सकते कि अगर every person becomes vigilante, so there will be chaos in the society. ठीक है? अगर हर कोई, अगर मुझे लगता है आप गलत हैं, तो मैं आपको यहीं पे punishment दे दूँ. North Korea government, yes. मतलब गवर्नमेंट के लिए नहीं. देखिए जहां पर आप जो है कोई भी लॉ ऑर्डर फॉलो ना करिए, आप पूरा जो है कमान अपने हाथ में ले लीजिए. सो दैट इज कॉल्ड विजिलेंटे. क्लियर एवरीवन? विजिल आंटी, विजिल. देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिकरिंग. सो रिकरिंग, यू नो इट इज एन एडजेक्टिव. रिकरिंग मीन्स अकरिंग अगेन एंड अगेन. तो कोई भी चीज जो पीरियोडिकली रिपीटेडली होती रहती है, यू कैन से कंटिन्यूअल. कैन वी यूज द वर्ड कंटिन्यूअल फॉर रिकरिंग? कंटिन्यूअल ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, कि जो ब्रेक ब्रेक के साथ, मतलब हर थोड़े से पॉज के बाद चीजें स्टार्ट हो जाए. सो दैट इज कॉल्ड रिकरिंग. ओके, विजिलेंटे एचडीएफसी बैंक इनिशिएटिव, करेक्ट. So continual, occurring again periodically or repeatedly, that is called recurring. Okay, so continually, you can use the word continually, correct. The next word we have is lynch. So ye word dekhte sath hi you might get the article ki article kiske bare mein ho sakti hai. Lynching, basically we say to put to death by mob action without legal approval or permission. ठीक है? ये जो mob lynching आपने सुना होगा, mob lynching में क्या होता है कि mob ही किसी person को मतलब मार देती है, चाहे वो hang करके, चाहे वो stone से, किसी भी चीज से. When you put to death, ठीक है, when you put a person to death, the complete mob, so that is called lynch. ठीक है? Without legal approval, without permission, आप किसी person को मार, मतलब group of people मिलके they kill a person, so that is called lynch. अच्छा, can anyone tell me the difference between crowd and mob? Quickly. Crowd का मतलब भी भीड़ होता है, mob का मतलब भी भीड़ होता है. So anyone who can tell me the difference between crowd and mob? Yes, yes, Karnataka, correct. A very important term. Close test के लिए. सात से आठ एडिटोरियल का टाइम है जनार्दन. अभी मैं सारे टाइमिंग बता दूंगी, गिव मी सम टाइम. तो हाँ, कंटिन्यूअल रिकरिंग, दैट इज सिनोनिम. सुशील, वेरी गुड. अभिषेक सिंह, रॉयल राजपुताना, वेरी गुड. सो मॉब बेसिकली वी कॉल टू एंग्री क्राउड, जब भीड़ में गुस्सा हो जाता है, करेक्ट. तो क्राउड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. Crowd means a group of people, okay? But mob basically we say aggressive crowd, aggressive crowd. ठीक है? तो क्राउड तो आपकी नॉर्मल भीड़ हो गई, ठीक है? बट यस, वायलेंट क्राउड, यस, वेरी गुड गीता. एग्रेसिव क्राउड, दैट इज कॉल्ड मॉब. ये हमेशा याद रखेगा. जैसे इससे फिलर्स आते हैं, अगर मैं बोलूं अ डैश किल्ड अ पर्सन, अ डैश किल्ड अ पर्सन. नाउ इन द ऑप्शंस, इफ आई गिव यू द वर्ड क्राउड, इफ आई गिव यू द, आपकी जगह द दे दू, देन इफ आई गिव यू द वर्ड पब्लिक, फिर थर्ड वर्ड मैं दे दू मॉब, फिर मैं आपको दे दू कमिटी. ओके, ऑल दीज वर्ड्स इफ आई गिव यू, सो व्हाट विल बी द आंसर? सिंपल, मतलब जैसे ही आपने देखा किल्ड अ पर्सन, सो इट विल बी मॉब. अगर मैं लिख दू द डैश सेट द बस ऑन फायर, सेट द बस ऑन फायर, आंसर विल बी मॉब.
जब भी इस तरह के गुस्से वाले वर्ड जगह के आगे जहां पर आपका एग्रेसिवनेस दिख रहा है, सो यू विल ऑलवेज चूज द वर्ड मॉब. आप ये नहीं कि मैम भीड़ ये भी है, भीड़ ये भी है, सारी चीजें. सो द एग्जैक्ट टर्म हियर विल बी मॉब ओनली. क्लियर एवरीवन? सो रिमेंबर दीज डिफरेंसेस. मॉब मॉब यस. सो एग्रेसिव क्राउड, वायलेंट क्राउड, एंग्री क्राउड, दैट इज कॉल्ड मॉब. ओके, ये सारे वर्ड्स आपके फिलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वर्ड स्कोर. स्कोर बेसिकली वी कॉल टू सेट ऑफ 20. ठीक है, जो जैसे डजन वी से ना सेट ऑफ. मैम हाउ कंटिन्यूअल इज डिफरेंट फ्रॉम कंटिन्यूअस, देन हाउ इट वुड बी द सिनोनिम. सी सुशील, लेट मी टेल यू, कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस बोथ आर सिनोनिम्स एज पर डिक्शनरी. ठीक है, एज पर डिक्शनरी बोथ आर सिनोनिम्स. बट यस्टरडे एज आई टोल्ड यू, ठीक है, तो अगर आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दे आर सिनोनिम, तो आप यहाँ पे रिकरिंग भी कह सकते हैं. यू कैन इवन यूज द वर्ड रिकरिंग ऑल्सो. तो रिकरिंग भी वही होता है कि जो बार बार रुक रुक करके होता रहे. ठीक है, अकरिंग अगेन पीरियोडिकली, जो हर पीरियड पे रुक रुक करके होता रहे, रिपीटेडली होता रहे. ठीक है, बार बार होता रहे. बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस? तो कंटिन्यूअस इफ समथिंग इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली, इट मीन्स वो बिना गैप के हो रही है. यहाँ पर कोई गैप नहीं है. जैसे अगर मैं क्लास ले रही हूँ कंटिन्यूअसली, इफ आई एम टेकिंग क्लास, तो इट मीन्स सुबह 7 से लेकर के मैं शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूअसली आई एम टेकिंग द क्लास. ठीक है, शाम में 7 बजे तक. ओके, तो दिस इज कंटिन्यूअस. बट अगर मान लीजिए मैंने 7 से 8 क्लास लिया, फिर 9 से 10 क्लास लिया, फिर मान लीजिए 11 से 12 क्लास ले लिया, फिर 2 से 3 ले लिया, 4 से 5 ले लिया, इस तरह से अगर मैंने क्लासेस लिया, तो यहाँ पर भी मैं क्लासेस तो ले रही हूँ बट आफ्टर अ गैप. तो ये भी कंटिन्यूअस क्लासेस ही है बट देर इज अ गैप. तो अगर कोई चीज ब्रेक के साथ हो रही है, तो दिस यू विल बी कॉल्ड, दिस विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअल. गॉट द डिफरेंस? अगर कोई चीज हो रही है बट थोड़ा सा इंटरप्शन है, ब्रेक के बाद हो रही है, सो दैट इज कंटिन्यूअल. एंड कंटिन्यूअसली मीन्स विदाउट ब्रेक, दैट इज. सो यस, दिस इज ओनली रिकरिंग. सो कंटिन्यूअल एंड रिकरिंग दे कैन बी द सेम. समझ में आ गई बात है सुशील? ये इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि इससे एसएससी का क्वेश्चन आता है. मैं अभी 9 बजे वाले सेशन में ना देखती हूँ, इफ आई गेट दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू दिस. ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी कैसे इससे क्वेश्चन आया था. एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ अभी रिसेंटली, 2-3 साल पहले. स्कोर बेसिकली भी से, इसीलिए मैं बोली जो भी चीज मैं बोलू, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. कौन सी चीज है, कब कहाँ पूछी जाए, यू नेवर नो. सो फोकस ऑन एवरीथिंग. स्कोर बेसिकली भी से अ ग्रुप और सेट ऑफ 20. कोई भी चीज, जैसे 12 के ग्रुप को डजन बोलते हैं, सिंपल 20 के सेट को स्कोर बोलते हैं. ये क्रिकेट वाला स्कोर नहीं है, या एग्जाम का स्कोर नहीं है. तो स्कोर यू नो योर अचीवमेंट, योर मार्क्स, दैट इज ऑल्सो योर स्कोर. बट हियर इट इज अ ग्रुप और सेट ऑफ 20. 20 के सेट को स्कोर बोला जाता है. ठीक है, जैसे 12 को डजन बोला जाता है. 9 AM session is not showing. It will not be on banking platform, Kirti. I will share the link. अभी Telegram group join करी. I will share the link once again. Okay, Kirti? It is on SSC channel. Now next word we have is venality. So venal, you know. How many of you know the meaning of the word venal? Very important term. Because if you know the meaning of the word venal, venal is basically adjective. Venality is what basically it is a noun. So what do you mean by the word no, not escapable? Venal we say corrupt. Very good, Naveen. Venal is corrupt, guys. Venal is corrupt and venial is forgivable, excusable. Don't get confused. Both these words are important. Okay. So venial is forgivable, excusable, pardonable. जिसको आप pardon कर सके. So that is venial. I लग जाएगा तो it is venial. Venial crime. Okay. Venial crime basically we say excusable. छोटी मोटी गलती. ठीक है. जिसको लोग माफ कर सकते हैं. So that is venial, forgivable, excusable. Venal basically we say corrupt. So the quality of being venal means the quality of being corrupt. So that is called venality. Venality. Okay. So venality basically we say the quality of being corrupt. Okay. And if I use the word this, okay, these closed terms will always be extremely good for. What will be the meaning of this word? Venality. See, this is venality. Ek I lag jayega, entire meaning will be changed. एक आई लग जाएगा, पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी. ओके, सो दिस इज विनालिटी, दिस इज विनियालिटी. सो द क्वालिटी मतलब समथिंग दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड, समथिंग दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड. डिड यू गेट कीर्ति? दैट कैन बी फॉरगिवन. ओके, सो इट इज नाउन सिंपल. तो ये आपका नाउन हो जाएगा. आर दीज टू वर्ड्स क्लियर टू एवरीवन? विनल, विनियल एंड विनालिटी एंड विनियालिटी. Any confusion? Yes, forgiveness, something that can be forgiven. Okay, so that is called veniality.
depends upon the veniality of the crime. Okay, so you can use the word. Okay, next word we have is acuity. So acute, you know, लेकिन यही है, दिस इज एन एडजेक्टिव, पी वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में लग जाता है तो इट बिकम्स अ नाउन, ये नाउन हो जाता है. सो एक्यूट पेन वी से, एक्यूट वी से शार्प, आई एम हैविंग एक्यूट पेन इन माय स्टमक, वी से ना, सो एक्यूट पेन मींस वेरी शार्प पेन, एंड एक्विटी बेसिकली वी से शार्पनेस ऑफ थॉट एंड विजन. ओके, तो जब आप बहुत क्लियर होते हैं अपने थॉट में, अपने विजन में, सो दैट इज कॉल्ड एक्विटी. सिंपली यू कैन से शार्पनेस. ओके, सो शार्पनेस. Ma'am, I'm enjoying controversy going on in this. Everybody is enjoying that controversy. Everybody. That is why I'm telling you, ki don't run after all these things because just wastage of time. Many, matlab, maximum student, they're watching that just for entertainment. Matlab, maza aata unko. So all these things will carry on because ab ye sari cheeze, matlab, this complete industry has also become correct. Achha, ankit Hindi bhi bata de rahi hu main. Dekhe, venal ka matlab hota corrupt. Corrupt ka matlab aapko pata hai, bhrasht. Theek hai? तो ये वीनल एडजेक्टिव है, वीनलिटी नाउन है. तो अगर किसी के अंदर भ्रष्टता आ जाती है तो इसको सिंपल आप कह सकते हैं हिंदी में भ्रष्टता. ओके, वीनलिटी. और वीनलिटी का मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है किसी को भी माफ कर देना. ठीक है, माफी कर देना. तो जिसको माफ किया जा सके, दैट इज कॉल्ड वीनल. ओके, और एक्विटी का मतलब होता है शार्पनेस, मतलब कि आप बहुत ज्यादा समझदार है. ठीक है, आपकी सोच बहुत है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एक्विटी. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एम्ब्लेमेटिक. एम्ब्लेमेटिक इज एन एडजेक्टिव. एम्ब्लेमेटिक मीन्स रिप्रेजेंटेटिव और सिंबॉलिक. इसको क्या कहेंगे, मतलब किसी भी चीज का जो चिन्ह होता है, एम्ब्लेमेटिक मीन्स रिप्रेजेंटेटिव सिंबॉलिक, दैट इज कॉल्ड एम्ब्लेमेटिक. अरे, ऑल दीज थिंग्स हैपन. Okay, so emblematic, basically we say representative, symbolic of something, kisi bhi cheez ka, so that is called emblematic. Clear? Intelligent you can say, wise you can say, equity, but ye intelligence you can say, okay, wisdom you can say. So intelligent is adjective, ye noun hai, to yahan pe aap kya bolenge, wisdom you can say. Okay, buddhimani kisi bhi cheez ki, so that is called. Next word we have is condone, again a very very good word. Condone means it is a verb. Condone means forgive, excuse, pardon. ठीक है, आई एम कंडोनिंग यू, इट मीन्स आई एम फॉरगिविंग यू. आई विल कंडोन यू, सो इट मीन्स आई विल फॉरगिव यू. आई विल नेवर कंडोन यू, आई विल नेवर एक्सक्यूज यू. ठीक है, कहते हैं ना, आई विल नेवर एक्सक्यूज यू, तो आई विल नेवर कंडोन यू. सो कंडोन इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है माफ कर देना. तो फॉरगिव, एक्सक्यूज, पार्डन, किसी को भी माफ कर देना, दैट इज कॉल्ड कंडोन. दैट इज कॉल्ड कंडोन. That is all for garnering views on YT's sessions. Okay, so anyways, we don't have to indulge into that. Okay, तो इसलिए कहती हूँ कि we are very only board is like we only teach. We do not get indulged into all these controversy and other things. ठीक है, so you should also focus here. Acquit. Acquit basically we say exonerate, liberate someone. किसी को भी दोष मुक्त कर देना. ठीक है, so it is a verb. Acquit, exonerate, liberate, किसी को भी दोष मुक्त कर देना, that is called acquit. Opposite of acquit is condone. What is new to you? ये बहुत बार पूछा जा चुका condone. Okay? The antonym of this acquit is, the antonym of acquit will be convict. ये opposite हो जाएगा. तो convict का मतलब होता है दोषी ठहराना. Indict, I-N-D-I-C-T, indict. So convict, indict, इसका मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना और किसी को माफ कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट, लिबरेट. ओके, यस यस, रिमिट, ऑल दिस काइंड. देखिए, अभी तो मैं आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होकर बता दी गई, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी. अभी एसएससी में आप देखिएगा क्या होगा. अभी जब आप एसएससी के बहुत अच्छे वर्ड्स जब आप देखेंगे, या एसएससी का बहुत अच्छा पेपर आता है, तो ये सारे सिनोनिम एसएससी दे देगा ऑप्शन में. मतलब ऑप्शन में एसएससी ऐसा नहीं होगा कि एक सिनोनिम देगा, चार अपोजिट देगा. ऑल सिनोनिम्स विल बी देयर. सो देयर यू हैव टू गेट द एग्जैक्ट मीनिंग. वो आपका 9 AM वाला जो सीजीएल का सेशन होने वाला है, सो देयर आई विल बी ब्रिंगिंग ऑल सच क्वेश्चन जहां पे ऑप्शन विल बी वेरी वेरी क्लोज. ओके, तो वो सारी चीजें 9 बजे सेशन में होंगे. अभी तो सिर्फ वोकैब डिस्कस कर रही हूं सो दैट यू गेट द मीनिंग. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फॉस्टर. फॉस्टर has two meaning. Which word you are talking about, Apoor? Acumen also we call to sharpness. Okay, so foster means again encourage, promote. Can we use the word ispar, Philip? Ye sare word aa jayenge.
ठीक है। सो किसी को भी एनकरेज करना, प्रमोट करना, स्पर करना, दैट इज कॉल्ड फॉस्टर। फॉस्टर भी ऑल्सो से फॉर रियल नर्चर, मतलब किसी का पालन पोषण करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्टर। माय गॉड, आज हम लोग सिर्फ वो कैप पे ही है, तो किसी का पालन पोषण करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्टर। ओके, सो नर्चर, रियर, ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ फॉस्टर। ये सारे फॉस्टर के सिनोनिम होंगे। देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, माय गॉड बहुत सारे वर्ड्स हैं, डेली डेली, अगेन अ वेरी गुड वर्ड। सो डेली डेली बेसिकली इज सिंपली, इट कैन ऑल्सो बी अ वर्ब। रघु, आई एम नॉट क्लियर टू यू, आप एक बार फिर से ज्वाइन करिए। डेली डेली बेसिकली मीन्स वेस्ट टाइम। सो वेन यू वेस्ट योर टाइम, दैट इज कॉल्ड डेली डेली। ओके, सो मतलब जब आप इधर उधर भटकते रहते हैं, सो स्टॉप डिली डैलिंग नाउ डेज, ये वर्ब है आपका, इट इज अ वर्ब बेसिकली। डिली डैली इज अ वर्ब, सो वेस्टिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड डिली डैली। ओके, वन सेकेंड गाइस। वन सेकेंड, ओके। ये सेंटेंस में आएगा, दिस यू विल गेट टू नो ओनली बाय द यूसेज, कि ये वर्ब है या नहीं है, ये आपको सेंटेंस के थ्रू ही पता चलेगा। टुडे आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट टू आर्टिकल्स। गिव मी वन सेकेंड, ओके। ये स्टक हो गया काफी, वो कब डिस्कस होगा। It is not coming. Is it visible to you now? अभी दिख रहा है आप लोगों को? वन सेकेंड सुशील, कमिंग कमिंग कमिंग। इट इज विजिबल, वन सेकेंड आई एम रीस्टार्टिंग गाइस, बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन, आई विल हैव टू रीस्टार्ट। ओके, एक सेकेंड दीजिए, आई एम रीस्टार्टिंग दिस। चलिए अभी दिख रहा है क्विकली। रीस्टार्टेड, अभी विजिबल है ना? ये डिली डेली जो है ना, इट हैज वेस्टेड अवर टाइम। दिस पीपीटी हैज डिली डेली अवर टाइम। ओके, सो डिली डेली इज अ वर्ब। ओके, सो आई कैन से दिस दिस पीपीटी हैज डिली डेली, इट्स वी टू फॉर्म कैन बी डिली डेली। ओके, ये याद रखिएगा, डिली डेली इट्स वी टू फॉर्म। ing form can be dilly dallying, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते, dilly dallying, okay? Don't dilly dally, okay? It is already so late, okay? So that is called dilly dally, that is waste time. Human service is different. Human service is different, okay? Clear everyone? So that is called dilly dally, okay? The next word we have is impudent.
impudent is also a very good word. Impudent is an adjective. Impudent basically we say insolent, brazen, audacious. Okay, so जिसको हिंदी में कहते बदतमीज, सिंपल हिंदी यू नो ना. So whenever you have to scold someone, so a person who is very shameless, even you can use the word shameless, जिसके अंदर कोई शर्म ना हो, very brazen, insolent, ढीठ कह लीजिए, बदतमीज कह लीजिए, okay, shameless person, that is called impudent, उसको impudent कहा जाता है. Clear? Then next word we have is jurisprudence. So jurisprudence basically we call to a legal system. Yes, the PPT demonstrated the word to you. Okay? So you wanted the sentence now, so it has presented the exact picture before you. So ye word aate saath hi aapka PPT bhi ho gaya. Okay, jurisprudence basically we call to a legal system. It is also a good word, it is noun. Okay, kaafi good words aapko mil gaye aaj. Then we have overturn. Overturn basically when you overturn something, it means you reject that thing. ठीक है, उसको आप reject कर देते हैं. So you can use the word rescind, revoke, override, overrule, cancel, revoke. ठीक है, ये सारे word abrogate. So all these are the words for overturn. ठीक है, ये सारे के सारे words हैं overturn के लिए. So rescind, revoke, override, overrule, cancel, abrogate. All these are the terms. Okay, it is a verb. Then next word we have is ruling. Ruling is noun. रूलिंग का मतलब शासन करना नहीं होता. रूलिंग मीन्स ऑर्डर और डिक्री. ठीक है, ऑर्डर देना, कमांड देना. सो योर ऑर्डर डिक्री दैट इज कॉल्ड रूलिंग. ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टिग्मटाइजेशन. सो स्टिग्मटाइजेशन बेसिकली वी कॉल टू द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अनफेयरली. आप किसी के साथ भी पार्शियलिटी कर रहे हैं, सो दैट एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली दैट इज कॉल्ड स्टिग्मटाइजेशन. स्टिग्मा, यू नो स्टिग्मा बेसिकली किसको कहा जाता है. तो Simran, you have to rejoin. मतलब you have to increase your resolution, Simran. So it is slides are completely clear. आपको resolution increase करना होगा. तो stigmatization basically we say to bad point, kalank, correct. So stigma basically we call to kalank. Stigma नहीं पूछ रही, stigma. Okay? So that is called stigmatization, the act of treating unfairly. Okay? Yes. Now we have idioms and phrases, dhabba type, kalank type, correct. Stain, all these can be the synonym. Taint, blot, correct. Now the first idiom of today's session is bring to book. So when you are bringing to book someone, it means you are punishing for offense and seeking the explanation for misbehavior. If I bring you to book, it means सबसे पहले मैं आपको punish करूंगी और उससे आपसे पूछूंगी कि आपने ये गलती क्यों की. Okay? So what was the reason behind your misbehavior? So that is called bring to book. It is basically used in law. ये law में use किया जाता है. That the criminal should be brought to book. Criminal should be brought to book means उनको उनकी गलती के लिए punish करना चाहिए and they should be sought explanation for their misbehavior. That is called bring to book. Okay? The next word we have is put to dock. So put to dock basically we say accuse one of committing a crime. किसी को भी simply can we say indict, convict. तो मतलब किसी को भी दोषी ठहराना, that is called put to dock. Okay? So be under someone's good book, so that is means to have reputation, मतलब अपना reputation maintain करना. But bring to book means to punish someone. Okay, so that is to be under good book means to be just I'm in the good book of my employer. It means कि उनको मेरे ऊपर मतलब I'm in the good book, so I'm very hard working and all. So that is the sense you are getting. So indict, convict, that is what accused one of committing a crime. Okay. चलिए गाइस, यू नो दिस बैच इज देयर. अभी तो हम लोगों ने सीजन की बैच भी स्टार्ट कर दी है. ठीक है, ये सेल आपका कल खत्म हो गया था, बट एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है. तो प्लीज डोज हु वांट टू जॉइन एसएससी, डोज हु वांट टू टेक एसएससी सीरियसली, जॉइन एसएससी बैच. सीजन की बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो ज्वाइन दिस बैच. यूज माई कोड सभा, यू विल गेट फ्लैट 45% ऑफ. सो यूज माई कोड सभा, you will get flat 45% off. Better है कि आप सुपर इलीट का ही पैकेज ले लीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन बिलीव मी, ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट, अब एसएससी में भी जितने भी टॉपर्स हैं, दे ऑल विल सजेस्ट यू ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट. तो आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ क्लासेस भी मिल रही है. यू नो कल सारे फैकल्टीज भी ज्वाइन कर लिए हैं, सो यू आर गेटिंग क्लासेस एवरीथिंग. सो प्लीज डू ज्वाइन दिस. ठीक है, इंग्लिश आई प्रॉमिस यू, आपका इंग्लिश मतलब 120 प्लस लाना है. ठीक है, मतलब यू हैव टू प्रॉमिस मी. मैं क्या प्रॉमिस करूंगी, मतलब आई विल बी गिविंग यू द कंटेंट, ओनली द बेस्ट कंटेंट, बट यस यू हैव टू वर्क हार्ड. ओके, एसएससी सीजर प्रीलिम्स बैच वी हैव ऑलरेडी लॉन्च. ठीक है, तो इसमें आपका मतलब अभी से ऐसा नहीं कि सिर्फ टीयर वन का, टीयर वन टीयर टू का लेकर के हम लोग प्लान चलेंगे, सो दैट यू गेट एन एज इन मेन्स ऑल्सो. ओके, यू टुक वेरी गुड, सो मेनी वर्ड्स टुडे, यस काफी टाइम लग गया. सो व्हेनेवर यू आर परचेजिंग एनी कोर्स ऑन हॉलीवुड प्लेटफॉर्म, रिमेंबर टू यूज दिस कोड सभा. ठीक है.
ये कोड सब यूज करिएगा गाइस, ठीक है। इट इज वेरी नॉमिनल फीस सुशील, एसएससी की फीस हमारी लेस देन, मतलब आई थिंक आपको सुपर एलीट अगर यूज करना होगा, परचेस करना होगा, तो अभी तो आपको अराउंड 900 समथिंग में मिल जाएगा, 1000 से लेस देन 1000 रुपीज में यू विल गेट दैट। तो लेस देन 1000 रुपीज में यू विल गेट सुपर एलीट, इसमें आपको क्लासेस मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगी 1 ईयर के लिए। सो ज्वाइन सुपर एलीट, ओके, सून एवरी बैचेस विल बी देयर सून, दिस इज ओनली लक्ष्य बैच, दिस इज ओनली लक्ष्य बैच, एसएससी लक्ष्य बैच, ओके। So guys, we have in the same way banking super elite also. So banking candidates can join banking super elite. So here also you will get all the mock test, all the classes, everything. Okay? Can we join only English? For that I have to bring only English batch. Okay? But better होगा guys super elite ले लीजिए। देखिए मैं ला सकती हूँ modular course, ठीक है, कोई problem नहीं है। But better होगा आप super elite join करिए, because mock test you will also get. Okay? So आपको mock test भी मिलेगा ना royal. He is asking for English subject. So this sale for banking has also been extended. So if you want to join banking, you can use my code Sabha. Guys, sab log join kar lijiye batch. Okay. So this is my code Sabha. Remember to use this code Sabha whenever you are purchasing anything. And this is my Telegram channel. Sabse pehle jin logon ne bilingual. You see, my sessions are always bilingual, whether on banking or SSC. Okay. So it will be bilingual. You will not face any problem. Still, I always give you option that you can ask your doubt whether in English or Hindi. Yes, yes, you will get from basic only. That is why we have kept it tier 1 plus tier 2. Okay? So everything will be from basic. And why am I recommending super elite? Because yahan pe agar koi hum PSSL ke liye bhi batch leke aate hai na, so you will be eligible for that batch also. MTS ke liye bhi batch ke liye bhi aap eligible honge. That is why I am recommending super elite. Okay? And sabse pehle aap log Telegram channel join kar lijiye, that is Learn English with Sabha. Because yahan par aapko sare sessions ke update milte rahenge. Okay? So please join this Telegram channel, Learn English with Sabha. And I'm going to make one WhatsApp group also for all the paid users. Okay, so जो भी SSC के paid users होंगे, there will be a WhatsApp group also जिसमें direct communication या कोई अच्छा question वगैरह मिला तो I will send it here. ठीक है? Anyhow, target 120 plus minimum है in English mains, CGL mains. चलिए guys quickly read it. जल्दी से सब लोग पढ़ लीजिए. Quick reading of the article. Yes, you will get live classes, Anil. He is very calm and composed, Sridhar. He will never get angry. You will get live classes in that Super Elite, Anil. सुशील ग्रामर आप मेरे पर छोड़ दो, सुशील ग्रामर जो है आप मेरे पर छोड़ दो, जस्ट वर्क हार्ड, ओके। व्हेनेवर आई फील सीएचएसएल देन इट गिव्स एरर, पता नहीं, हैव टू सी दैट। अतुल होगी, आज से होगी, एसएससी पे होगी, ठीक है। I will share the link in my Telegram group, Atul. Okay? Lives at stake. At stake मतलब risk. ठीक है? So lives जो है मतलब लोगों की जान अब खतरे में है. कैसे? On recurring instances. Instances means incidents, you can say. Recurring means repeated. मतलब बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. So on repeated incidents of attack by self-styled cow vigilance. Okay? So cow vigilance means ये लोग मतलब खुद ही जो है लोग अपने हाथ में ले लेते हैं अंडे. पनिश द पर्सन, ठीक है। तो ये अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, संरक्षक मानते हैं काउ के, एंड दे किल द पर्सन ऑन हुम दे हैव द डाउट, जिसके ऊपर इनको शक होता है कि ये काउ को मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको किल कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट दीज इंस्टेंसेस आर इंक्रीजिंगली हैपनिंग, ओके। सो दैट इज व्हाट देयर आर मेनी लाइव्स दैट आर एट स्टेक, वो काफी लोगों के उसमें है, खतरे में है लाइफ, ओके। श्रीधर आई विल टेल यू एट द एंड, ठीक है, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, बिकॉज वी आर रनिंग हैंग टाइम, आई विल टेल, ओके। द कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विद एलैक्रिटी, ओके, इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, ओके। सो कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विद एलैक्रिटी, एलैक्रिटी मीन्स स्विफ्टनेस,
ठीक है, रेड मतलब यहाँ पर है ईगरनेस, मतलब उनको फटाफट तेजी से काम करना चाहिए सो दैट दे कैन बुक द मर्डरर्स, ठीक है, वो मर्डरर को बुक कर सके। तो दिस इंसिडेंट, ये जो अभी इंसिडेंट है, ये ताजा ताजा घटना कर्नाटका में हुई है, ठीक है। सो दैट इज वाई द एडिटर इज सेइंग दैट कि कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विद ईगरनेस, स्विफ्टनेस, रेडीनेस इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, मतलब उनको पनिश करने के लिए उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। ओके श्रीधर, आई विल टेल यू गाइस, एनीवन प्लीज हेल्प हिम, द स्काउट्स ऑफ मर्डर्स, स्काउट्स हियर मींस सिविल, ओके, मिनस थ्रेट यू कैन से, यहां पर एग्जैक्ट मीनिंग जो होगी इसकी थ्रेट होगी। द थ्रेट ऑफ मर्डर्स वेयर कैटल ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैव बीन अटैक्ड बाय सेल्फ स्टाइल फॉर विजिलेंस हैज सर्फेस्ड अगेन इन कर्नाटका ऑन सैटरडे। अ 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ वैन ट्रांसपोर्टिंग कैटल वॉज एलिजिबली टॉर्चर्ड एंड किल्ड बाई अ राइट विंग एक्टिविस्ट एंड हिज एसोसिएट्स। ओके, तो ये जो थ्रेट ऑफ मर्डर है, जहां पर कैटल ट्रेडर्स जो हैं, ठीक है, जो बिजनेस करते कैटल का और जो ट्रांसपोर्ट करते कैटल को, दे हैव बीन अटैक्ड। ओके, एंड हु हैज अटैक्ड द सेल्फ स्टाइल्ड कॉ विजिलेंस, मतलब ये खुद में ही कॉ विजिलेंस बन गया है। एंड दिस इंसिडेंट हैज वंस अगेन अपीयर्ड इन कर्नाटका, ये फिर से कर्नाटका में दिखी है ऑन सैटरडे, ठीक है, ये फिर से सैटरडे को हुआ है, वेयर अ 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ वैन, ठीक है, एक वैन का असिस्टेंट ड्राइवर जो था, ही वाज ट्रांसपोर्टिंग अ कैटल एंड ही वाज टॉर्चर्ड एंड किल्ड बाय अ राइट विंग एक्टिविस्ट एंड हिज एसोसिएट्स। तो उसको राइट विंग के एक्टिविस्ट ने सबने मार डाला, बिकॉज दे थॉट कि वो क्या कर रहा है, कि कैटल को मार रहा है। ओके, द इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन अमंग रिकरिंग मर्डरस एक्ट अक्रॉस द स्टेट बट प्रीडोमिनेटली इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये मतलब ये इंसिडेंट फिर से, मतलब दिस मर्डर इज हैपनिंग टाइम एंड अगेन इन कर्नाटका, बट सबसे ज्यादा इस तरह के जो अटैक्स है वो कहाँ पर होते हैं, नॉर्थ इंडिया में होती है, ठीक है। सो कर्नाटका में भी काफी हुए हैं, बट अगेन यू विल फाइंड सच इंसिडेंट मोस्ट इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, टिल मैम टू गिव लिटिल वॉल्यूम, एम आई नॉट ऑडिबल प्रसाद, एम आई नॉट ऑडिबल। फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान, नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। टॉर्चर्ड मतलब उनको, टॉर्चर का मतलब क्या होता है, परेशान किया जाता है, ठीक है, टॉर्चर का मतलब क्या होता है कि परेशान किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वॉइस लो है, बट मैं तो फुल स्पीड में बोल रही हूँ, कैसे वॉइस लो है, एक बार आप अपने साइड से चेक करके देख लो गाइस। ओके, फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान हु वाज ट्रांसपोर्टिंग कैटल टू मोहम्मद अखलाक इन दादरी उत्तर प्रदेश ऑन द सस्पिशन ऑफ स्टोरिंग कॉमीट, इट वाज प्रूवन टू बी फॉल्स टू टू ट्राइबल मेन लिस्ट बाय एलिस्ट एक्टिविस्ट ऑफ द बजरंग दल इन सिवनी मध्य प्रदेश एंड स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट्स द विनालिटी ऑफ दोस कमिटिंग द मर्डर्स हैड बीन मैच्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इंप्लीमेंटिंग कैटल स्लॉटर लॉज to find a pretext for these acts while not bringing those responsible to it. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक पूरा सेंटेंस है। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं कैसे ये सारे इंस्टेंसेस नॉर्थ इंडिया में जाता है। सो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि राजस्थान में एक पर्सन को मर्डर किया गया था, ठीक है, जो कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। देन दादरी उत्तर प्रदेश में अ पर्सन वॉज मर्डर्ड जस्ट ऑन द डाउट ऑफ स्टोरिंग कॉमीट, ठीक है, जिसको लग रहा था कि वो कॉमीट स्टोर कर रहा है, जो कि बाद में फॉल्स प्रूव हो गया था। Just on doubt he was murdered, सिर्फ डाउट पे उसको किल कर दिया गया था। टू टू ट्राइबल मेन, और दो ट्राइबल मेन जो है दे हैव ऑल्सो बीन लिंच्ड, मतलब एक पूरी भीड़ ने उनको मार डाला। बाई एलिस्ट एक्टिविस्ट ऑफ द बजरंग दल इन सियोनी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी दो ट्राइबल मेन की किलिंग हो गई, ठीक है। एंड स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे बीसों इंसिडेंट है, दैट इज द सेंस। ओके, so the venality of those committing, the venality means corruption, यहाँ पे क्या है, corrupt part, okay, of those committing the murders has been matched by the equity by law enforcement agencies in implementing cattle slaughter laws to find a pretext for these acts while not bringing those responsible to book, okay, तो इसमें ऐसा नहीं कि these people why are they getting this much courage, उनको कहाँ से इतना courage मिल रहा है। तो उनको करेज इसलिए मिल रहा है ना, बिकॉज जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है
दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, वो इन सारे पर्सन को बुक नहीं कर रहे हैं जस्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ काउ स्लॉटर. तो ये लोग क्या करें, वहां पर जो लॉ है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉ दे आर सेविंग दीज क्रिमिनल्स एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट देम. इनको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, सो दैट इज वाई दिस कंप्लीट थिंग इज करप्ट. ओके, यहाँ पर कोई भी जस्टिस नहीं मिल रहा है. डिड यू गेट द पॉइंट? That the murderers of Pehlu Khan were acquitted. Acquitted means they were discharged. ठीक है, they were liberated. उनको जेल से छोड़ दिया गया था. For the lack of prompt police action is emblematic of this trend. कि जो पहलू खान था उनके मर्डरर्स को छोड़ दिया गया था बिकॉज कोई भी पुलिस एक्शन नहीं हुआ था. सो दिस इज एम्ब्लेमेटिक, दिस इज मतलब दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ट्रेंड, विच ट्रेंड दैट पीपल आर बींग लेफ्ट ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ कॉल स्लॉटर लॉ. तो जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो क्रिमिनल्स को पनिश नहीं कर रही है, दे आर लिविंग द क्रिमिनल्स. ओके, द रिकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एम्बोल्डिंग. मैं एक बार फुल वॉल्यूम, मेरे साइड से तो फुल, एक बार फिर से चेक करिएगा आप लोग, मैंने अपनी साइड से वॉल्यूम फुल कर दिया है. द रिकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एम्बोल्डिंग ऑफ दीज राइट विंग एक्टिविस्ट हु शो लिटिल रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ as opposed to their perceived religious beliefs on cow slot. ठीक है, so ये जो recurrence है, why these incidents are happening time and again, so it is also the result of emboldening of this right wing activists. मतलब they are getting power. ठीक है, वो उनको बहुत ज्यादा courage मिल रहा है, and these right wing activists they show little regard for human life. मतलब उनको ह्यूमन के जान की कोई परवाह नहीं है, एज अपोज टू देयर परसीव्ड रिलीजियस बिलीव्स ऑन काउ स्लॉटर. तो उनका जो बिलीफ है काउ स्लॉटर पे दैट इज मच हाई, उनका जो एक परसेप्शन है काउ स्लॉटर पे वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन लाइफ. दैट इज वाई जस्ट टू सेव वन लाइफ या इसमें उनको कोई भी डाउट हो जाता तो दे आर रेडी टू टेक ह्यूमन लाइफ ऑल्सो, उनकी भी जान लेने को तैयार है. Another common factor that is more often the case is that these acts recur in states ruled by BJP and are generally condoned by its fellow travelers in Sangh Parivar. अब देखिए author अपने point पे आ गया, ठीक है, कि ये जो acts हैं, ठीक है, so these acts recur in states ruled by BJP. ये maximum आप जो भी cases देखेंगे ये वहीं पर होता है जहां पर BJP की government है. okay, एंड आर जनरली कंडोन्ड. कंडोन मीन्स फॉर गिवेन, मतलब बीजेपी के स्टेट्स में होते हैं और वहां पे इन लोगों को मतलब दीज क्रिमिनल्स आर फॉर गिवेन ऑल्सो बिकॉज दे आर द सपोर्टर ऑफ दीज थिंग्स. ओके, तो इसलिए वहां पर जो भी क्रिमिनल्स है उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता. ओके, द अपोजिशन इन कर्नाटका हैज राइटली सॉट टू पुट द गवर्नमेंट इन द डॉक and to highlight how this could foster communal disharmony. ठीक है, तो जो opposition थी कर्नाटका में उन्होंने सही काम किया, that they put the government in the dock. मतलब they have convicted the government. opposition ने क्या किया, इसने सीधे government को ही convict कर दिया गया, कर दिया. and they highlighted. देखिए अब ये mistake है कि नहीं है, अब यही mistake आपके सीजल में आ जाएगी और आती है. देखिए अगेन एडिटर ने क्या किया है, यहाँ पर टू के बाद एंड के बाद फिर से टू रिपीट किया गया है, तो यू नो दैट इट शुड बी बेयर इन्फिनिटिव, सो इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये टू नहीं होगा. क्लियर, बिकॉज टू पुट एंड हाईलाइट. ओके, सो हियर टू इज नॉट रिक्वायर्ड, अगेन इट इज सुपरफ्लुअस, ये आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है. ओके, हाउ दिस कुड फॉस्टर, मतलब ये कैसे एनकरेज कर सकता है कम्युनल डिसहार्मनी में. ओके, any dilly dallying, देखिए यहाँ पे verb form में आपको दिखा, any dilly dallying, dilly dallying means wasting time by the Karnataka police in bringing the guilty to book, it means in punishing the criminal, will be a signal that this is a repetition of the injustices that were committed against Pehlu Khan and others. अगर Karnataka police जो है थोड़ा सा भी ढीला सीली करती है, late करती है क्रिमिनल्स को पनिश करने में, तो अगेन इट विल बी इंडिकेशन दैट कि ये इनजस्टिस होगी जिस तरह से बाकी के केसेस में हुई थी. ओके, मोर सो द रिपीटेड नेचर ऑफ दीज एक्ट्स कॉल्स इनटू क्वेश्चन द आउटकम ऑफ रीसेंट ज्यूरिसप्रूडेंस ऑन कैटल स्लॉटर, द 2005 जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर विच बैंड कैटल स्लॉटर बेस्ड ऑन एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बिसाइड्स आर्टिकल 48, 48A एंड 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ रीसेंट ज्यूरिसप्रूडेंस. ज्यूरिसप्रूडेंस मीन्स लीगल सिस्टम, ठीक है,
ऑन काउ स्लॉटर, कैटल स्लॉटर, जहां पे 2005 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, एंड एज पर दैट जजमेंट काउ स्लॉटर वॉज बैंड, ठीक है, ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया था. ओके, तो नाउ पीपल व्हाट दे थिंक दैट इफ एनी पर्सन इज स्लॉटरिंग काउ, अब काउ का मर्डर यूज नहीं कर सकते, किसी भी एनिमल्स के लिए वी ऑलवेज यूज द वर्ड स्लॉटर. ओके, तो जब भी काउ का स्लॉटर होता है तो पीपल थिंक दैट इट इज अगेंस्ट लॉ और वो वहीं पर पर्सन को पनिश कर देते हैं. ओके, दिस जजमेंट हैड ओवरटर्न मीन्स कैंसल्ड. ओके, एंड अर्लियर रूलिंग, अर्लियर ऑर्डर इन 1958 विच हैड लिमिटेड द बैन ओनली टू यूजफुल कैटल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, ठीक है. तो ये जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2005 में, वो 1958 का एक जजमेंट था, उसको कैंसिल करके आया था. एंड एज पर दैट 1958 जजमेंट कि ये जो बैन था ये सिर्फ उन कैटल्स के लिए था जिनको एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री में यूज किया जाता है, दोज आर मतलब दैट आर यूजफुल एनिमल्स. ओके, द जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन रिजल्टेड इन स्टेट मोस्टली लेड बाय द बीजेपी टू कम अप विद स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन काउ स्लॉटर एंड द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ दलित्स, मुस्लिम एंड ट्राइबल्स फॉर द डाइटरी हैबिट्स एंड डिपेंडेंस ऑन कैटल प्रोडक्ट्स फॉर अ लाइवलीहुड बिसाइड्स अलाउिंग फॉर इम्प्यूडेंट बिहेवियर बाय सो कॉल्ड विजिलेंस. देखिए ये जो 2005 का जजमेंट है दैट काउ स्लॉटर हैज बीन बैंड, so this judgment has been misinterpreted by the BJP's government, ठीक है. ये जो जहां पर बीजेपी का भी गवर्नमेंट है वहां पर लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है, एंड दे हैव कम अप विद स्ट्रिक्ट लॉ, वो काउ स्लॉटर को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लेकर के आए हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिक्ट लॉज ओनली दिस दलित पीपल, मुस्लिम पीपल, ट्राइबल पीपल, बिकॉज उनके डाइटरी हैबिट में है. ओके, एंड दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन कैटल, ठीक है, वो कैटल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा होते हैं, जैसे अगर आप ट्राइबल्स वगैरह की बात करेंगे, सो वेन एवर इवन दे आर नॉट स्लॉटरिंग द कैटल ऑल्सो, ठीक है, स्टिल दे आर स्टिग्मेटाइज्ड, उनको उनको टॉर्चर किया जाता है, जस्ट एंड दे आर इट इज अलाउिंग, दीज लॉज आर अलाउिंग इम्प्यूडेंट बिहेवियर, मतलब उनका जो एक ब्रेजन शेमलेस बिहेवियर है बाय सो कॉल्ड विजिलेंस. ओके, जस्ट बिकॉज दे हैव मिस इंटरप्रिटेड द लॉ, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो इन सारे सेक्शंस को टॉर्चर करते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ देयर डाइटरी हैबिट्स. ओके, काउ इज अ पार्ट ऑफ देयर डाइटरी हैबिट्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द कैटल प्रोडक्ट्स फॉर देयर लाइवलीहुड. ओके, इट इज नॉट एनफ टू कंडेम दिस एक्ट, देखिए अब वो टाइम नहीं है कि आप इन सारे एक्ट्स को कंडेम करेंगे, कंडेम मींस क्रिटिसाइज, सो इट इज नॉट द टाइम टू क्रिटिसाइज दिस एक्ट्स, इट इज टाइम येट अगेन फॉर जुडिशियल रीथिंग ऑन लेजिस्लेशन ओवर काउ स्लॉटर. तो अब टाइम आ गया है कि अब पूरा जो लॉ है दैट हैज टू बी चेंज्ड. ओके, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पूरा लॉ को चेंज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन स्टॉप दीज इंसिडेंट्स एंड पीपल दे डू नॉट मिस इंटरप्रेट एनी लॉ. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल पैसेज, काफी लंबा हो गया एक ही आर्टिकल, एरर तो और ही लंबा हो गया. विद इन अ सेकंड गाइस गिव मी द आंसर, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस. ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका आर्टिकल से ही लिया गया है, तो इफ अगर आपने आर्टिकल ध्यान से देखा है तो जल्दी से बताइए यहाँ पर एरर क्या है क्विकली, काफी लंबा सेशन हो गया. हाँ, टोन वी विल सी कीर्ति, एरर ही एक आर्टिकल का हो गया. लेट मी सी हु गिव्स द फर्स्ट रिप्लाई एंड करेक्ट रिप्लाई. एक्सेलेंट नवीन, एक्सेलेंट, वेल डन नवीन, फिल द फॉर्म फॉर SSC. ओके, बिकॉज यू हैव इम्प्रूव्ड योर दैट, दिल्ली डेली हो गया, हाँ सेशन दिल्ली डेली हो गया, नो यू विल नॉट फॉरगेट द वर्ड दिल्ली डेली. लोकेश, व्हाट इज रॉन्ग इन बी क्विकली, नो लेट मी टेल, यस यस, फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान. हाँ प्रभास, who was transporting cattle to Muhammad Akhlaq in Dadri, Uttar Pradesh on the suspicion of storing cow meat. It was proven to be false to two tribal men lynched by alleged activist of Bajrang Dal in Sioni, Madhya Pradesh and score of. देखिए जब भी dozen के पहले, do we say dozen of people or we say dozens of people? Error is in C part guys. अब इसके लिए rule बताना होगा unit of counting का. Okay? तो यहाँ पर जब भी आपके unit of counting के पहले number नहीं लगा होता, जैसे we do not say 100 of people. ये नहीं बोलते 100 ऑफ पीपल, जब नंबर नहीं होता तो वी ऑलवेज से हंड्रेड्स ऑफ पीपल. ओके, डजन्स ऑफ पीपल, लाइक दिस लैक्स ऑफ रुपीज. ओके, सो द सेम केस इज देयर आल्सो, इट विल बी बिकॉज कोई नंबर नहीं दिया, टू स्कोर, थ्री स्कोर, सो इट विल बी स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट्स.
अच्छा एरर था, डिफरेंट एरर था। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आते बहुत हैं। ओके, सो एरर इज इन सी पार्ट, नाउन से रिलेटेड एरर है। करेक्ट, नाउन से रिलेटेड एरर है। व्हाट इज द टोन ऑफ आर्टिकल? टोन अब एसएससी कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एसएससी में भी टोन पूछा जाता है गाइस। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द टोन। इस बार भी सीजल मेंस में टोन पूछा गया था, ठीक है। टोन मीन्स ऑथर्स एटीट्यूड, ऑथर्स किसी भी पैसेज को कैसे प्रेजेंट किया गया है, किया है इस पूरे पैसेज को। यस इट इज क्रिटिकल, मैंने पहले ही बोल दिया है। क्रिटिकल एंड कंसर्न, क्रिटिकल एंड कंसर्न, यस क्रिटिकल एंड कंसर्न, करेक्ट। लिटिल बिट सजेशन लास्ट में है, अदरवाइज इट इज क्रिटिकल एंड कंसर्न, सिंपल। गाइस होमवर्क, अच्छा होमवर्क आपको वही दो फ्रेजेस इडियम्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ब्रिंग टू बुक एंड पुट टू डॉक, दीज आर द टू इडियम्स यू हैव टू यूज, ठीक है। आई हैव टू गिव वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यू, मे बी पॉसिबल कल से कुछ दिनों के लिए सेशन नहीं होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मुझे लीव पर जाना था, तो वो टाइम आ गया है। तो मे बी पॉसिबल कल से आपका, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू टेक द सेशन, तो दो कुछ दिनों के लिए आपका सेशन इंटरप्ट होगा। ओके, तो बट इट डजेंट मीन कि आप एकदम आराम कर लेंगे, तो जब से सेशन स्टार्ट होगा तो प्लीज डू ज्वाइन। ओके, लर्न ऑल द वोकैब्स गाइस, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड टुडे डू ज्वाइन 9 AM सेशन, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं जो एसएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, सो प्लीज ज्वाइन 9 AM सेशन। ये एसएससी ऑलिव बोर्ड एसएससी पर होगा, तो ऑलिव बोर्ड एसएससी पे जाइएगा तो 9 बजे का सेशन मेरा ही दिखेगा। आज ये पहला सेशन है, थंबनेल चेंज नहीं हुआ है, बट यस इट विल बी देयर, नॉट वेकेशन, आई एम नॉट गोइंग ऑन अ वेकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज वाई। ओके, some important thing I have to do, so please hit the like button, subscribe to our YT channel, share the session. Okay, so thank you guys, I'm ending this session, 9 baje ka session sabhi log join kar lijiyega. Okay, take care, bye bye.